हाँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि तो अगर ऐसे ही आपका कोई माइक खराब हो चुका है या फिर अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप अपने फोन को माइक के तौर पे कैसे यूज कर सकते हो अपने पीसी के लिए, गेम खेलने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए अपने माइक से अपने पीसी के, तो आप कैसे कर सकते हो फोन के बदौलत, तो वो आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने वर्ल्ड के अंदर 20 मिलियन लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो वीडियो को फाइनल स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लक्ष्य, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक 121। हर जात वाले लौंडे के हम साथ पड़े हैं, तभी पूरे शहर में ठाट बड़े हैं, मजा आने लगा है लोकल रहने में, नहीं तो गांव में तो अपने भी प्लाट पड़े हैं। आई नो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया है ना, जो मैं भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ वो तुम्हें समझ आ चुकी है। तो फिलहाल आज यार हम लोग बात करेंगे कि जैसे काफी लोग जो होते हैं उनके पास माइक खरीदने के लिए या तो पैसे नहीं होते या फिर एक अच्छा माइक नहीं ले सकते वो, या फिर उनका माइक कभी कभी खराब हो जाता है, कभी कभी वो कंपेटेबल नहीं होता उनके पीसी के साथ। तो ये सारी जो चीजें हैं सबको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसानी से, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 2-3 ऐप्स जो आपको इंस्टॉल करने हैं और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे ऐप्स जो कि आपके मोबाइल का जो आपका माइक्रोफोन है, हर मोबाइल के अंदर एक माइक्रोफोन होता है, ठीक है, आप उस मोबाइल के माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो अपने पीसी के लिए। जैसे कि मान लो कि आपने GTA 5 RP खेलनी है, आपने वेलोरेंट खेलनी है, आपने कोई भी मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है, तो उसके लिए आपको माइक की जरूरत होती है अपने टीममेट से कॉन्टेक्ट करने के लिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रीम भी करनी है यूट्यूब पे तो उसके लिए भी आपको एक माइक चाहिए। बट अब सब एक अच्छा खासा माइक नहीं खरीद सकते ना, और इतनी जल्दी इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने फोन को माइक बनाना है अपने पीसी के लिए तो बहुत ही इजी स्टेप है जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक एंड्रॉइड ऐप का लिंक, आई गेस वो iOS के लिए भी अवेलेबल है, WO माइक करके एक अपना सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड के लिए, सॉफ्टवेयर या ऐप, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए ऐप है, पीसी के लिए सॉफ्टवेयर है, WO माइक या फिर वो माइक कह लो उसको। तो वो जो आपको ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर, और जो उसका पीसी वाला क्लाइंट है वो आपको लिंक उसका भी नीचे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, WO माइक का जो पीसी क्लाइंट है वो डाउनलोड करना है और WO माइक का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। ड्राइवर क्या होता है, जो कि मतलब आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सिस्टम को बताता है कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें ये चीजें चाहिए, तो वो ड्राइवर उसको इंस्टॉल कर देगा। बस आपने उसके अंदर कुछ भी कोडिंग कुछ नहीं करनी हो, सब कुछ पहले से हुआ है, तो आपने बस वो माइक जो है वो अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल पे जाना है, ठीक है। अभी मोबाइल की बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, मोबाइल में जाओगे, आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उसके अंदर टॉप राइट में अपना एक सेटिंग्स का आइकन होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, उस ट्रांसपोर्ट वाले पे आप क्लिक करके बस आपने जो अपना ट्रांसपोर्ट का मोड है वो अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना। आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ से कर सकते हो, यूएसबी से करना चाहते हो यूएसबी से कर सकते हो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वाईफाई से कनेक्ट करना, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन पड़ा है, तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता ताकि मेरे को अपने फोन को इधर उधर एक जगह पे रखना भी ना पड़े, मैं फोन भी अपना हिला सकूं आसपास, उसको यूज कर सकूं, और साथ में वाईफाई से जो है कनेक्टिविटी भी हमें अच्छी मिल जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूं वाईफाई भी यूज करना, बट अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसको यूएसबी के थ्रू भी चला सकते हो। तो आपने बस यूएसबी कनेक्ट करनी है, फिर वाईफाई कनेक्ट करना है और उसके अंदर चूज कर देना है वो ट्रांसपोर्ट का बटन, ठीक है। ये आपने चूज कर लिया, उसके बाद अपनी मेन स्क्रीन पे आओगे, ऊपर आपको एक प्ले का आइकन दिखेगा, आपने बस उस प्ले के आइकन को क्लिक करना है तो आपके पास एक बार के अंदर वहां पे अपना आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस आईपी एड्रेस को बचा के रखो, बस अपने वो माइक को जो है आप अपना बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो एंड्रॉइड के, वो फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो आता है पीसी के अंदर। उसके बाद आपने जो पीसी के अंदर है अपना, आपने जैसे कि ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया होगा और जो माइक का क्लाइंट है वो इंस्टॉल कर लिया होगा, ऐसा ऐसा कुछ आइकन उसका दिख जाएगा, आप उसको जहां मर्जी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे नॉर्मल ऐप को इंस्टॉल करते वैसे इसको इंस्टॉल करना है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लो और उसके बाद जाना है अपने कनेक्शन में और उसके अंदर जाके करना है कनेक्ट, और यहाँ पे अपने वाईफाई वाले के अंदर अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा, और वो आईपी एड्रेस जो आपने अपने फोन में मिला है वो सेम यहाँ पे डाल देना और सिंपली दबा देना है कनेक्ट पे, और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली उसको कर सकते हो मिनिमाइज। और उसके बाद आपने कोई भी गेम खोलनी है, मतलब कि आपको अपने गेम के अंदर वो माइक सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट जो माइक नहीं सिलेक्ट होता है, तो वो आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेलोरेंट चला के यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उसके बाद जाना आपको कोई भी गेम के सेटिंग में, और उसके बाद ऑडियो के अंदर जाके जो भी आपका वॉइस चैट वाला सिस्टम है उसके अंदर इनपुट डिवाइस आपको सिलेक्ट कर लेना WO माइक। ऐसे आपको जो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस को हर गेम में मिल जाएगा, वेलोरेंट हो गई, GTA 5 हो गई, आपकी कोई भी गेम हो गई, सारी गेम के अंदर जिस भी आपका माइक यूज होता है आपको एक इनपुट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पे जाके आपको बस अपना WO माइक सिलेक्ट कर लेना है।
ऐसे इतना सिंपल सा हमारा ट्यूटोरियल था। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल भी मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। अगर गेमिंग में इंटरेस्ट हो तो मेरा गेमिंग चैनल भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, मैं उस पर रेगुलरली गेमिंग स्ट्रीम्स और गेम प्ले डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आके मस्त एंजॉय मारो अपना वेलोरेंट, GTA 5 RP, माइनक्राफ्ट, पबजी मोबाइल, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम, सुनो और शब बखैर, बाय बाय। अब जरा मैं थोड़ी सी वेलोरेंट खेल लेता हूँ, लोग तब से इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो बना कर, चलो बाय। हर जात वाले लौंडे के हम साथ पड़े हैं, तभी पूरे शहर में ठाट पड़े हैं, मजा आने लगा है लोकल रहने में, नहीं तो गांव में तो अपने भी प्लाट पड़े हैं। सही 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 है भाई, मैं कह सही 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 है भाई।